Hello everybody, hope you all are safe and at home. Myself CA Apurva. और guys, जैसे कि आप सबको अभी तक पता चल गया है कि every subject के लिए we have planned out a 90 days action plan, right? So I am here today to give you the guidelines regarding जो ये अभी August, September, October ये जो 3 महीने हैं इसमें आपको self-study का preparation कैसे करना चाहिए. And specifically in this video, I would be talking about a law subject, right? As you all know. So, guys, as you know that in law subject, it is divided in law 60%, BCR 40%, right? And in law, there are almost 5 to 6 chapters like Companies Act, LLP, Partnership Act, Sale of Goods Act, and very important Contract Act, right? इसका अभी डिटेल्ड वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू स्टडी लॉ इज बिन ऑलरेडी अपलोडेड ऑन आर यूट्यूब चैनल. सीए फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. फॉर डिटेल्ड स्टडीज ऑफ लॉ यू कैन रेफर दैट वीडियो, यू कैन सी दैट वीडियो, राइट. टुडे वी वुड बी टॉकिंग अबाउट योर एक्शन प्लान फॉर नेक्स्ट 90 डेज. नाउ वी हैव 2 to 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. एक जिन्होंने बहुत पहले मई जून के आसपास ऑलरेडी अपने क्लासेस चालू करके सीए फाउंडेशन का पढ़ाई चालू किया था. दूसरी कैटेगरी ये है जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था क्लासेस देखना, फाउंडेशन करना, यू कैन से आफ्टर द 12th रिजल्ट्स आर डिक्लेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड तीसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ये हैं जिन्होंने अभी अभी डिसाइड किया है कि यस दे आर गोइंग टू गिव द फाउंडेशन एग्जामिनेशंस इन द कमिंग नवंबर एग्जाम्स, राइट. सो नाउ the first category of students which has already completed entire syllabus. Now, what do you mean by completing entire syllabus? मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपके lectures देख के सारे हो गए हैं, right? तो उनके लिए मैं पहले discuss करूँगी, फिर हम second and third category के students के लिए discuss करने वाले हैं, okay? Firstly, those who have already completed studying the lectures देख के जिनका हो गया है उनको सेल्फ स्टडी का जो टाइम स्पैन है इसमें मैं रेकमेंड करूँगी कि 31st August तक आपका फर्स्ट रीडिंग होना चाहिए सब्जेक्ट का. आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट लॉ सब्जेक्ट, ओके. सो 31st August तक आपका लेक्चर देख के ऑलरेडी हो गया है. आपको सेल्फ स्टडी के लिए फर्स्ट रीडिंग आई एम टॉकिंग अबाउट विच हैज़ टू बी कंप्लीटेड नियर अराउंड 31st August, मैक्स टू मैक्स एक्स्ट्रा बफर पीरियड ऑफ 5 days, ओके. सो फर्स्ट रीडिंग, उसके बाद यू कैन टेक अ गैप ऑफ अराउंड 2 days एंड आफ्टर द गैप ऑफ 2 days अगेन यू आर सपोज टू रिवाइज द सिलेबस. नाउ गाइज एक बात समझो, जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो फर्स्ट रीडिंग आपको बहुत अच्छे से करना है. लेट इट टेक सम टाइम एक्स्ट्रा गाइज, बट फर्स्ट रीडिंग में आपके रिविजन के नोट्स, आपके लास्ट डे रिविजन क्या क्या पढ़ना है, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड आपकी प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स ये बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तो जाके आप रिविजन्स में इफेक्टिव यू कैन से आउटपुट दे पाओगे. समझ आ रही हैं चीज़ें? तो फर्स्ट रीडिंग हैज टू बी डन विथ अटमोस्ट परफेक्शन, ओके. परफेक्शन चाहिए, राइट. सो लेट इट टेक सम टाइम एक्स्ट्रा, बट फर्स्ट रीडिंग में आपने क्या क्या चीज़ें करनी है? प्रोविजन रीडिंग 100%, क्वेश्चन एंड आंसर्स, टेकिंग योर ओन समरी नोट्स, राइट, एंड हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स सो दैट व्हेन यू आर रिवाइजिंग द सब्जेक्ट, राइट, व्हेन यू आर रिवाइजिंग द सब्जेक्ट तो इट विल कंज्यूम लेसर टाइम दैन द फर्स्ट रीडिंग. समझ आ रहा है? सो यू कैन से अगर आप अभी फॉर एग्जाम्पल अभी से भी अगर आप काउंट करोगे मैक्सिमम 15 days में आपका फर्स्ट रीडिंग होगा, ओके. थरली रीड करना है आपको. सो 31st August तक इफ यू कैन कवर अप फर्स्ट रीडिंग ऑफ द सिलेबस, उसके बाद आपको क्या करना है? फर्स्ट रिविजन करना है. अभी फर्स्ट रिविजन जब आप करोगे उसके साथ साथ गाइस प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. पहली चीज़ आपने फर्स्ट समझ लिया कि हाँ ये सिलेबस है, ऐसे ऐसे कंसेप्ट हैं. दूसरी चीज़ अभी आपको खुद को इवेल्युएट करना है, ओके. सो सेकेंड रीडिंग जो है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो आपका अराउंड सेप्टेम्बर में होना चाहिए. सेप्टेम्बर में आपको लॉ का
फर्स्ट रीडिंग के बाद फर्स्ट रिविजन दैट इज सेकेंड रीडिंग ऑफ द सब्जेक्ट यू शुड कंप्लीट. ओके द थर्ड रीडिंग विच इज देयर शुड बी कंप्लीटेड यू कैन से अप्रॉक्सीमेटली एंड ऑफ द सप्टेम्बर एंड ऑक्टोबर फर्स्ट वीक. समझ में आ रहा है डिवाइड कैसे करना है? समझ में आ रहा है? सो जिन्होंने ऑलरेडी पूरे लेक्चर्स देख के हो गए हैं जिनके और सेल्फ स्टडी चालू किया है 31st मतलब बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू शुड कंप्लीट द फर्स्ट बेसिक रीडिंग ऑफ द सिलेबस. देन नेक्स्ट 15 डेज टाइम स्पैन मतलब अराउंड मिड ऑफ सेप्टेम्बर यू शुड बी डूइंग द फर्स्ट रिविजन ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस दैट इज गिविंग टेस्ट राइट. द सेकेंड रीडिंग वुड बी कम्प्लीटेड इन द टाइम स्पैन ऑफ सेप्टेम्बर एंड और अक्टूबर फर्स्ट वीक. इस वे में आपको लॉ का आपका एक्शन प्लान जो है वो डिवाइज करना है. आर यू विथ मी? इसके लिए वी हैव ऑलरेडी सेटअप अ टेस्ट सीरीज पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज जिसका अलग से मैं वीडियो बना चुकी हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दोनों वीडियोस की लिंक मैं आपको रेफरेंस के लिए दूंगी बिकॉज जिनका ऑलरेडी लेक्चर्स देके हो गया है उन्होंने कंपलसरी टेस्ट सीरीज देना ही चाहिए. द बेनिफिट्स ऑफ गिविंग द टेस्ट सीरीज एंड एक्सेट्रा 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 ये सारी चीज़ें डिटेल्ड में वो वीडियो में है, उसको ज़रूर देखना. करेक्ट है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स विच है यू नो दिस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स मतलब अगर आप सेकेंड कैटेगरी में हो जिसमें 50% लेक्चर्स आधे अधूरे आपके हो गए हैं 50% आपके करना बाकी है अभी. ओके पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आपको 31st तक कुछ भी करके आपको 31st तक सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने ही करने हैं. समझ आ रही है चीज़ें? सो दैट सितंबर अक्टूबर फुल फ्लेज्ड आपको सेल्फ स्टडी के मिलेंगे. गाइज प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि सेल्फ स्टडी करना प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर यू एक्चुअली राइट द ICAI पेपर. समझ आ रहा है? सो जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है उनका सबसे पहला मोटो ये होना चाहिए कि आपने आपके जो लेक्चर्स है जितने भी नंबर ऑफ लेक्चर्स पेंडिंग है आप अभी के अभी जब भी आप वीडियो देखोगे बैठो नोट डाउन करो कि हर एक सब्जेक्ट के मेरे कितने वीडियोस देखना बाकी है. वेदर यू आर अ वीस्मार्ट एकेडमी स्टूडेंट और नॉट दिस इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली दोज हु आर गिविंग द सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन इन नवम्बर 20 राइट. सो जस्ट जॉट डाउन द पॉइंट्स हर एक सब्जेक्ट के कितने कितने लेक्चर्स पेंडिंग है. मेरे पास 24 घंटे रहते हैं दिन भर में उसमें से 10 घंटे मेरा सोना खाना पीना उठना बैठना इसमें जाएंगे तो लेफ्ट आवर्स इज 12 टू 14 आवर्स इफेक्टिवली. उसमें मैं मेरा शेड्यूल कैसे मैनेज करूँगा इसका प्रॉपर प्लान आपका रेडी होना चाहिए. प्लानिंग इज द की. आर यू विथ मी? सो प्लान करो 31st तक कुछ भी करके लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं एंड सितंबर में आपका सेल्फ रीडिंग चालू होना चाहिए. करेक्ट है? अभी इसमें सेल्फ रीडिंग जब आप कर रहे हो तो ऑलमोस्ट अप टू अराउंड 15th to 20th ऑफ सितंबर आपका फर्स्ट रीडिंग हो जाना चाहिए दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लॉ का. फिर उसके बाद सितंबर एंड टू अक्टूबर में आपका सेकेंड रीडिंग हो जाना चाहिए अलॉन्ग विथ प्रैक्टिसिंग राइट. तो इस वे में आपका जो शेड्यूल है वो प्लान कर सकते हो. अभी जो स्टूडेंट्स ने बिल्कुल भी पढ़ाई चालू नहीं की है दे हैव जस्ट नाउ डिसाइडेड दैट दे विल बी गोइंग टू गिव नवंबर एग्जामिनेशंस गाइस मैं आपको ये रेकमेंड करना चाहूँगी कि अभी का जो टाइम है वो आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है. जितना जल्दी हो सके लेक्चर्स देखो. लेक्चर्स के साथ साथ एक एडिशनल एफर्ट आपको जो जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है आपको ये लेना पड़ेगा कि जैसे जैसे आप लेक्चर्स कवर अप कर रहे हो वैसे वैसे आधा घंटा एक घंटा डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर लेक्चर विच यू आर सीइंग आपको सेल्फ रिविजन के लिए उसी टाइम पे देना है. ये चीज जो दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उन्होंने भी फॉलो करनी है. ओके सो जो भी लेक्चर्स पेंडिंग है जिन्होंने अभी तक चालू नहीं किया है उनके लिए मैं ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि जब भी आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो इमीडिएटली आपको सेल्फ रिविजन वो चीज़ का करना ही करना है. ओके सो इस वे में आपका पूरा जो लॉ सब्जेक्ट है उसका
टाइम टेबल बना सकते हो। डिटेल्ड में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने राइट फ्रॉम कौन से यूनिट को अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगना चाहिए ये सारी चीज़ें नोट डाउन की गई है। उसकी हेल्प आप ले सकते हो फॉर स्पेसिफिकली स्टडिंग लॉ सब्जेक्ट। ओके, सो वेयर एवर एट योर स्टडी प्रिपरेशन यू आर, स्टिल देर इज अ टाइम, देर इज अ होप, राइट? सो इसमें आपको अच्छे से टाइम वेस्ट न करते हुए फटाफट अभी पढ़ाई के लिए बैठना है। सिर्फ एक ही आपका मोटो होना चाहिए, लेक्चर सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस, लेक्चर सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस। इसी वे में आपको नेक्स्ट 3 महीने प्लान करने हैं गाइस। मेहनत करो, मेहनत में कोई सब्स्टिट्यूट मत रखना, कोई शॉर्टकट मत लेना, सक्सेस विल बी योर्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ऑल द वेरी बेस्ट, फॉलो दिस शेड्यूल, कीप मी अपडेटेड इन केस इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी। आई एम गिविंग माई नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, डू वेल।